सीईओ सूचना सेठ जो अब सलाखों के पीछे है, वो भी अपने 4 साल के बेटे की जान लेने के आरोप में। हैरानी की बात तो यह है कि सूचना सेठ पुलिस के सामने अपने आप को बेकसूर बता रही है, लेकिन पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है ताकि इस मामले की असल वजह को सबके सामने लाया जा सके। तो इसी बीच जेल में बंद सूचना सेठ को पुलिस की मौजूदगी में उसके पति से आमना सामना हुआ। दोनों के बीच 15 मिनट की मुलाकात हुई, जिसमें सूचना सेठ और उसके पति वेंकट रमन के बीच खूब बहस भी हुई। वहीं इस दौरान जब वेंकट रमन ने गुस्से में पत्नी सूचना सेठ से पूछा कि बेटे की जान तुमने नहीं ली तो किसने ली, इस पर सूचना सेठ ने चुप्पी साध ली और कोई जवाब नहीं दिया। दोनों के बीच काफी देर तक सवाल जवाब चलता रहा, जिसके बाद वेंकट रमन ने गोवा के कलंगूट पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फिजिक्स स्कॉलर वेंकट रमन और एआई एक्सपर्ट सूचना सेठ पहले एक दूसरे के सामने नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। इस दौरान वेंकट बार बार सूचना को उनके बेटे की जान लेने वाला बताते रहे, लेकिन उसने हर बार इन आरोपों से इनकार किया। इतने नहीं, इस घटना के लिए पति को ही उसने जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके साथ साथ वेंकट रमन ने यह भी बताया कि जिस वक्त उनके बेटे की जान ली गई, उस समय वो किसी काम से इंडोनेशिया में थे। पुलिस से बेटे की जान जाने की सूचना मिलने के बाद वो 9 जनवरी को देश लौटे और 10 जनवरी को बेंगलुरु पहुंचकर बेटे का अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें, 4 साल के मासूम की जान लेने की जांच कर रही गोवा पुलिस ने इससे पहले 12 जनवरी को क्राइम सीन रिक्रिएट किया था और 1.5 घंटे तक उसकी जांच भी की थी। पुलिस ने इस दौरान होटल में दाखिल होने से लेकर रुकने तक का और फिर बाहर निकलकर कैब से जाने तक के सीन को रिक्रिएट किया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि सूचना सेठ को इस पूरी घटना में किसी और ने तो मदद नहीं की। आपको बता दें, सूचना सेठ किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि उनका बेटा अपने पिता से मिले। हैरानी की बात तो यह है कि सूचना ने कोर्ट के फैसले को 5 हफ्ते तक टाला और बेटे को उसके पिता से नहीं मिलने दिया। जिस दिन बच्चे की जान ली गई, उस दिन उसे पिता से मिलवाने के लिए सूचना सेठ ने जगह और समय तय किया था। वहीं जब वेंकट रमन ने सूचना सेठ को फोन किया तो उनका फोन बंद आया और इसी बीच पुलिस ने वेंकट रमन को बेटे की जान जाने की खबर दी। फिलहाल पुलिस इन दोनों से ही पूछताछ कर रही है ताकि पूरे घटनाक्रम से पर्दा हट सके और मामले की गुत्थी को सुलझाया जा सके। और जिस तरीके के बयान सूचना दे रही है उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।